हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जानेंगे कन्वर्जन के बारे में। पाइप नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी में कन्वर्जन का बहुत बड़ा रोल होता है और कोई भी टेक्नीशियन कन्वर्जन टेक्नीशियन बनके बहुत अच्छा स्कोप है उसके लिए, एक अच्छी जॉब कर सकता है और अच्छा पैसा कमा सकता है, क्योंकि सीजीडी में बहुत बड़ा स्कोप है कन्वर्जन का। तो ये क्या होता है कन्वर्जन, जो स्टोव होता है उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं और क्या क्या उसमें लगते हैं, क्या क्या टूल्स होते हैं, आज उनके बारे में जानेंगे और देखेंगे। टीम्स के पास चलेंगे, जो टीम हमारी साइट पे काम करती है वो कैसे कन्वर्जन करती है, और टीम के साथ मिलके जो एक कन्वर्जन करके पूरा देखेंगे स्टोव में क्या क्या मॉडिफिकेशन होते हैं, जो जेट होते हैं उसको कैसे चेंज करते हैं और नोजल्स होते हैं उनको चेंज करते हैं होता है, और एक होता है बड़ा बर्नर। तो छोटे बर्नर में जो होता है वो 85 नंबर का नोजल लगता है और जो बड़ा वाला होता है उसमें 110 से 120 नंबर का हम नोजल का इस्तेमाल करते हैं। और जो जेट होता है, जेट में अगर स्टोव हमारा सही नहीं चल रहा है फिर भी दोनों इंस्टॉल करने के बाद फ्लेम सही नहीं आ रही है, अगर नोजल हम चेंज कर देते हैं तो फिर हमको जेट पे 0.6 mm की बिट का इस्तेमाल करना होता है। तो पॉइंट जो बिट है वो 0.6 mm की ही होती है, अगर डोमेस्टिक में है तो 0.6 mm से मैक्सिमम साइज बिट का जो होता है 0.6 mm होता है, वैसे तो नोजल में हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो ये समझने के लिए हम टीम्स के पास चलते हैं। चलिए टीम्स पे देखते हैं जो हमारी टीम है वो कैसे उसको करती है। तो आइए टीम्स के पास चलते हैं। देखो ये स्टोव है और इसको पीएनजी में कन्वर्ट करेंगे, तो आज सीखते हैं कि ये पीएनजी में कैसे कन्वर्ट होता है, क्या क्या इसमें मॉडिफिकेशन करने होते हैं। और हमारे साथ सौरभ है, वो करेंगे। अभी ये एलपीजी से कनेक्ट है, ये सिलेंडर जुड़ा हुआ है, नीचे रखा हुआ है। अभी इसको इसमें लाइन में जोड़ेंगे और जला के दिखाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, इसको देखते हैं कि पीएनजी से कैसे कन्वर्ट होता है और क्या क्या मॉडिफिकेशन करने होते हैं। तो अभी ये एलपीजी पे चल रहा था, अब ये पाइप नेचुरल गैस पे चलेगा। तो कन्वर्जन को आज सीखेंगे सौरभ के साथ, कन्वर्जन को कैसे करते हैं और क्या क्या उसमें चेंजेस करने होते हैं, ठीक है। स्टोव को बाहर निकाल लिया है सौरभ ने और अभी इसमें सौरभ चेंज करेंगे। सौरभ पहले ये बताओ इसमें कौन कौन से टूल इस्तेमाल होते हैं जिनको तुम चेंज करते हो जब इसको? ग्लास, तोता ग्लास, पाइप रेंज, सिलाई रेंज और बिट वगैरह। बिट कितने एमएम की होती है? 0.6 mm की, 0.6 mm। और जेट? जेट 120 नंबर, 110 नंबर, और इसमें 85 नंबर लगता है छोटे वाले में। छोटे वाले में 85 भी लगा देते हैं सर, जो ज़्यादा फ्लेम बताते हैं तो 110 लगा देते हैं। तो जेट कौन कौन से दिखाना एक बार दोनों जो चेंज करने हैं। कौन कितने नंबर का है इसको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करो सही से, ताकि हमारी टीम समझ सके और आसानी से। एक टेक्नीशियन के लिए बहुत अच्छा स्कोप है कन्वर्जन का, कन्वर्जन टेक्नीशियन बन के ये 85 नंबर है। और दूसरा ये किस में लगता है? ये इसमें, छोटे वाले में जी। यहाँ पे देखो लिखा रहता है क्या? जी हाँ, ये 85 लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 85, ये बारीक साइज दिख नहीं रहा है पर यहाँ पे ग्रेड में लिखा रहता है नंबर्स में। तो 85 नंबर का एक होता है और एक होता है 110 का और 120 का। छोटा वाला लगाते हैं सौरभ जी के अनुसार, 85 नंबर लगता है छोटे वाले में जिसमें कम फ्लेम देनी होती है, और बड़ा वाला जो होता है स्टोव उसमें लगता है 110 से 120 नंबर। तो अभी सौरभ इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, देखो चेंज करके देखेंगे कैसे चेंज करते हैं ना। ये बहुत अच्छा स्कोप है एनजी टेक्नीशियन के लिए, टेक्नीशियन बनके बहुत अच्छा सीजीडी में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो सौरभ एक एक्सपर्ट टेक्नीशियन और इनको 7-8 साल का एक्सपीरियंस है सीजीडी का, उन्होंने बहुत सारे स्टोव कन्वर्ट किए हुए हैं। ये देखो यहाँ से इन्होंने जेट को चेंज निकाल लिया है, यहाँ पे जेट लगा होता है। ये पुराना वाला जेट, ये पुराना, ये कितने नंबर का है? ये 58 नंबर का है। ये एलपीजी में लगा हुआ था और ये सिलेंडर पे चल रहा था, अब इसमें हमने पीएनजी का देखो जेट चेंज कर दिया और हमको इसमें जेट ही चेंज करने होते हैं।
इस तरीके से इसको खोल के उसको दोबारा से रिस्टॉल कर देते हैं। जेट को इंस्टॉल करके हमने जेट को रिप्लेस कर दिया है। जेट या नोजल हमें इसमें 0.6 mm की बिट मारने की जरूरत नहीं होती ना सर? मारते हैं सर, क्यों? सिम बनाने के लिए। अगर हम पॉइंट बिट नहीं मारेंगे तो क्या होगा? तो सिम पर बंद हो जाता है सर। जब सिम पर अगर बंद होता है और नहीं होता है तो फिर हमें बिट की जरूरत नहीं होती है। तो बिट की जरूरत, अगर सिम पे बंद हो रहा है तो हमें 0.6 mm की बिट मारने की जरूरत होती है। जी सर, ठीक है। अब इसको देखो, इस वाले को चेंज करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी सी होगी पर हमारे साथ जुड़े रहिए। इससे एक बहुत अच्छा स्कोप है एनजी टेक्नीशियन का, कि टेक्नीशियन बनकर के कोई भी प्लम्बर इसमें बहुत अच्छा सिम बनाने के लिए होता है सर। इसमें देखो, इसमें अगर सिम सौरभ जी के अनुसार सीखते हैं कि यहाँ पे पॉइंट कितने mm की बिट है, ये 0.6 mm की बिट है सिम बनाने के लिए सौरभ ने इस्तेमाल की है, क्योंकि इनका कहना है कि अगर हम इसे नहीं मारेंगे तो सिम पे बंद हो जाएगा। तो अगर चूल्हा सिम पे सही चलाना है तो इसका टूल्स का इस्तेमाल हमें करना होता है। ये टूल है, ये हो गया 0.6 mm की बिट है और इसका हैंडल है। ये जो चेंज कर रहे हो, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको जेट बोलते हैं, इसको नोजल बोलते हैं सर। जेट में भी हमको होल करना पड़ता है, 0.6 mm की बिट से जेट में भी होल करना पड़ता है। होल तो पहले से भी होता है, पहले से होता है सर, हमें फिर जरूरत क्या पड़ी इसकी? इसका प्रेशर ज़्यादा आता है सर, तो इसमें थोड़ा होल ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए कि नहीं तो सिंपल बंद हो जाएगा, कम प्रेशर पर जाता है। सर आपको कहना है कि हमें जेट में भी 0.6 mm की बेट मारनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम नहीं मारेंगे तो सिम पे जब कम करेंगे, सिम पे चलाएंगे स्टोव तो गैस बंद हो जाएगी, इसकी ज़रूरत है। अभी पूरी तरह तैयार हो गया है ना, कन्वर्ट हो चुका है एनजी पे, अब इसको उसमें लाइन में जोड़ेंगे, ठीक है। देखा सौरभ जी ने, इसमें 85 नंबर लगाया हुआ है और इसमें 110 नंबर बड़े वाले में। देखो पूरी तरह कन्वर्ट हो चुका है, अब ये स्टोव देखो जल रहा है, अब ये पीएनजी पे ही चल रहा है। तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्जन को कर सकते हैं, है ना। और ये कन्वर्जन का बहुत अच्छा महत्व है सीजीडी में, तो ये कन्वर्जन हमारा हो चुका है।